नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है, कश्मीरी मुस्लिम ने लगाया देश की सेना पर आरोप। कश्मीरी मुस्लिम फिर जनता ने जो हिसाब किया। जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्यों आरोप लगाया भारत की सेना पर कश्मीरी मुस्लिम ने। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। मुझे ये बता, अगर कश्मीर का भला हो रहा है, कश्मीर अभी ड्रग में पंजाब के बाद आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो अभी अगर अभी कंट्रोल, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो इन्होंने जो अभी टेररिज्म खत्म हुआ है ना कश्मीर में, मेरी बात सुनो, जो टेररिज्म खत्म हुआ है ना कश्मीर में, वो भी एक दिन में नहीं हुआ। 20 साल से काम चल रहा है, 20 साल से हम अमन के लिए लड़ रहे हैं, 20 साल से वहाँ पे हो रहे हैं, वो भी एक दिन। जो टेररिज्म अमन के लिए लड़ रहे हैं, कौन से अमन के लिए लड़ रहे हैं, क्यों अमन के लिए? मैं आपको कश्मीर में दिखाऊंगा, बहुत सब लोग अमन चाहते हैं। हाँ, सब लोग अमन चाहते हैं, सही चाहते हैं। देखो मैं बताऊंगा, 100 में से 2 लोग निकलेंगे वो गलत करेंगे तो 100 के 100 गलत नहीं है। वहाँ पे दंगेबाज जो थे, नहीं थे, क्या था, वो उनका मसला है। जो कश्मीर की आम जनता थी, जो वहाँ पे वो अमन से रहना चाहती थी, तभी कश्मीर के लोग भाग के दिल्ली में नहीं रहते, भाग के चंडीगढ़ में, मुंबई में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कश्मीर की 15 से 20% की पॉपुलेशन अभी इंडिया में रह रही है। अभी नहीं, 2000 से दिखाऊंगा मैं आपको रिकॉर्ड, 2000 से इंडिया में रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि वो अमन चाहती है, वो नहीं चाहती कि हमारे परिवार को कोई गोली मारे, कहीं पे एनकाउंटर हो जाए, कहीं पे पथराव हो जाए और मैं खामा खामे जख्मी हो जाऊं। दो की लड़ाई में तीसरा क्यों मरे? अगर बुरहान वानी और यासीन मलिक जैसे लोग निकलेंगे ना तो जरूर ठोकेंगे, और जो उसके समर्थन में रैली निकालेंगे ना उनको भी उसी लाइन से ठोकेंगे, उसी लाइन से ठोकेंगे उनको भी। और ये जो बोल रहे ना जम्मू कश्मीर में करप्ट ये ड्रग मनी चल रहा है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो पैसा आता था पत्थरबाजी का वो एम्प्लॉयमेंट तो चली गई, जो टेररिस्ट का फंड आता था वो एम्प्लॉयमेंट तो चली गई, तो तुम्हारे पास रास्ता ही क्या रह गया? जो तुम्हारा अब्बा जानता पाकिस्तान वही तुम्हें फंड देता था, अब वो खुद आटे की भीख मांग रहा है, उसके पास बचा ही क्या है? वही ड्रग सप्लाई कर करके 2-2, 4-4 रुपए कमा रहा है और तुम्हारे जैसे अलगाववादियों को दे रहा है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाए। सिक्योरिटी चलो ठीक है, पाकिस्तान ही भेज रहा है ना ड्रग, तो BSF आने क्यों देती है इंडिया में ड्रग? वो आने क्यों देती है? बॉर्डर सिक्योरिटी छोड़ती क्यों है? मेरे को ये पता, ड्रग आने क्यों देते हैं? अभी देखो इंडिया में 2 जगह पे हीरोइन आता है, एक तो पंजाब में आता है, एक कश्मीर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है, ड्रग क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचता है, तो उसमें BSF का भी हाथ है, छोड़ते हैं तभी पहुंचता है, छोड़ेंगे नहीं तो पहुंचेगा। क्यों आता बताओ, पहली बात छोड़ेंगे नहीं ड्रग तो इंडिया में पहुंचेगा, जब आएगा नहीं तो करेगा कौन? हमका मैं झोंक रहा हूँ, मेरे को छोड़ रहे हैं वहाँ पे पंजाब में। पंजाब में दो परिवार, मैं बॉर्डर पे थोड़ी खड़ा हूँ। एक मिनट, जो ड्रग्स आता है BSF का आता है, ड्रग्स एक मिनट, ए भाई साहब इधर बात करो, ड्रग्स आता भी किससे आता है? BSF बेचती है। BSF नहीं बेचती है, मैंने बोला, इस भाई ने बोला पाकिस्तान बेचता है, मैंने बोला कि ड्रग इस वजह से आता है, जब बॉर्डर पे ड्रग पार होता है तभी पहुंचता है। उन गद्दारों की वजह से जो बॉर्डर के पास रहते हैं ना, मैं गद्दार सेना गद्दार नहीं कह सकता, तुम जैसे गद्दारों की सीधी उंगली उठा सकता हूँ। जो कश्मीर के गद्दार थे, उन गद्दारों की वजह से हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा ये चीजें? अब क्यों नहीं होती है चीजें, मुझे ये बता दे, जवाब चाहिए। जो अरे सुन मेरी बात, सुन ले मेरी बात, इतनी देर से तुम्हारी सुन रहा था मैं, सुन, जब उस टाइम पे पत्थर मारे जाते थे, वे घरों में लको लिए जाते थे, वे गद्दार कौन थे? वे भी तो कश्मीरी थे, सारे कश्मीरी गलत नहीं है, मैं उन चीजों, उन कश्मीरियों के खिलाफ हूँ जो सारे देश के अंदर रह के और देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ हूँ मैं। मेरी बात सुनो, देश के तोड़ने की बात तब होती थी जब पाकिस्तान से लोग आके कश्मीर को, लोगों को ये बोल रहे कि पैसे दे रहे, जब पैसे दे रहे तभी लड़के दंगे कर रहे। सुनने, खाए तुमने पैसे,
तुम कहोगे आज नहीं तो कल बोलोगे, खाए उन पत्थरबाजों ने पैसे, खाए उन आराम के बीजों ने पैसे, खाए जवाब ले आराम से, ठीक। हाँ मुझे एक बात बता भाई, हम थोड़ी लड़ रहे हैं, आराम से लड़ नहीं रहे, समझा रहा हूँ तुझे। अब मेरी बात सुन, तुम कह रहा जेके पुलिस ये देख के करती थी क्या भर्ती कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है? नहीं करती ना। फौज ये देख के भर्ती करती क्या ये हिंदू है ये मुस्लिम? नहीं करती ना। तो फिर एक ही उस स्टेट में पत्थरबाज भी आते हैं, आतंकवादी भी आते हैं, कहाँ से आते हैं? तुम कहते हो वो सरकारें, सरकार नहीं, वो जो महबूबा मुफ्ती, उसके बाद एक और था, वो क्या नाम था यार, अमर अब्दुल्ला, साला सुअर, वो भी सुअर, सरकारें चोर थी ना, मानता आज के टाइम है तुम्हें, आज के टाइम तेरा कश्मीर, तू इतना नहीं घूमता होगा जितना मैं घूमता हूँ, हर तीसरे महीने 3 बार चक्कर लगा के आ जाता हूँ, ठीक है ना। तुम उन गलियों में नहीं जाता होगा जिन गली में जाता हूँ। आज मैं तुझे बता दूं, आज भी मैं घूमता हूँ। अरे दिल्ली की छोड़ दे तू, नू तो दो दिन पहले, अरे दिल्ली की छोड़ दे, हम भी डरते थे, मैं तो वहाँ कहाँ डरते थे, तुम्हें डर लगता था? क्यों नहीं, दिल्ली माने से डर लगता था? क्यों नहीं, मारे गए, कह रहा बहुत देखे हमने डरते हुए तुम्हारे कश्मीरी, बहुत देखे, आज बोल सकते हो तुम, आज तुम्हारी, अरे सुने, आज तुम्हारी कश्मीर में कोई हालात खराब हो जाते थे, सरकार किसकी थी, सरकार किसकी थी, सरकार जिसकी भी थी, सरकार थी इस सरकार में सुरक्षित मानता है या उस सरकार में सुरक्षित मानता अपने आपको? कौन सी सरकार में? जो पहले सरकार थी या इस सरकार में सुरक्षित? अभी हमारे पास कोई सरकार ही नहीं है, गवर्नर तुम्हारे पास तो रहती भी नहीं, राज है। क्यों गद्दार आर्मी के साथ है? जो वहाँ गद्दार पल रहे हैं ना, पहले उनको खत्म कर रहे हैं हम, तो सीधी बात है, ठीक। पहले पत्थरबाजी खत्म करी है और उनके बाद जो अंदर बैठे ना, जो दबके बैठे हुए साले घर में अंदर, बिल्कुल ये बात, मेरी बात सुन लो भाई, पत्थरबाज जो है ना, पत्थरबाज अभी भी कश्मीर में, लेकिन जो है ना टेररिस्ट, देखो नोट कर लो, देखो लेकिन सुधर गए, देखो कैसे, जब टेररिज्म, जब पाकिस्तानी लोग आते थे ना, जब कश्मीर में आते थे दंगे करने के लिए, हालात खराब करने के लिए, तो वो अपने साथ 20-30 लोगों को भड़काते थे, 50 लोगों को बोलते थे कि अगर मैं कहीं पे फंस जाऊं तो भाई पत्थर मारना, मेरे को बचा लेना, मैं निकला हूं। सुने सुने सुने, एक मिनट, अगर आपको पहले, अब सुन, पहले अगर आप, अरे भाई साहब सुनिए 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 सुनिए, अगर आपको कोई कह दे कि पत्थर मारना, इसका मार देंगे? आप में अपना दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है आप? वो तो मैं सबकी बात तो नहीं, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब तो नहीं है, तो फिर कैसे कह रहे हैं? कोई फिसल जाता है, कैसे इधर भी, इधर में दिल्ली में लोग नहीं है जो फिसल जाएगा? दिल्ली में लोग दंगे नहीं करते, अरे हाँ पंजाब में दंगे नहीं होते, पंजाब का क्या हाल था 10 दिन पहले? हाँ नेट नहीं पंजाब में बंद हुआ, उधर दंगे नहीं, नहीं होता, कैसे हुए? हाँ कैसे नहीं होता? डेली पत्थरबाजी नहीं, दंगे होते हैं ना भाई, कहाँ हुए दंगे? कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते, कहाँ हुए दंगे? दिल्ली में कभी दंगे नहीं। अरे सुन, जो दंगे करने वाले ना, फिर वही वाली बात आएगी, वे ताहिर हुसैन जैसे गद्दार है देश के, बोल रहा हूं। वे ताहिर हुसैन जैसे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी फंडिंग खाते हैं, वही गद्दार है, और उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, ठीक है ना, उनका फिर वही आएगा। एक ही कौम निकल के क्यों आती है सामने? अरे भाई बात सुन ली मैंने तेरी, बहुत सुन ली, एक ही कौम क्यों निकल के आती सामने, हमेशा एक ही कौम क्यों आती है? कौन सी कौम आती है? ताहिर हुसैन किसका नाम है? किसका नाम है ताहिर हुसैन? मुसलमान का नाम है, तो वही क्यों निकल के आती है मेरे भाई? पत्थर मारने में वो है, दंगे करवाने में वो, हमले करने में वो, सब कुछ वही। अगर यहाँ कोई थी, अरे सुन मनो ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरे नहीं नहीं, अरे सुन गुरु बुरहान वानी, ये सब कौन थे? अरे कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो किन की है? किन की है? हाँ मुसलमानों की है। अरे ऐसी की तैसी मुसलमानों की,
कैसे? उससे पहले किसकी थी? महाराजा कौन था वहाँ का? अरे उससे पहले महाराजा कौन था? कौन था? फिर ये बात कैसे कहते हो तुम? जब तुम अंदर घुस के किसी को मारोगे उन गद्दारों के साथ मिलके, जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, जब कांधे, जब तो तुम भी भाई भाई हो गए थे उनके साथ, मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे, जब कहां से ले गए थे? पैदा भी ना होया होगा जब तो तू, जच्चा बच्चा पैदा हुआ होगा जब तो तू, ठीक है ना? वो चीज हम नहीं भूल पाएंगे कभी भी, ठीक? ये चीज मत बोल कि मुसलमानों का, थोड़े दिन रुक जा, वो भी हमारा, ये नहीं बोला मुसलमान, वो तो भी हमारा है, और राजा भी हमारा भी उठाएंगे, राजा भी ऐसे ताड़ी मार के नहीं, बिल्कुल ठीला ठोक के बिठाएंगे। अरे लोग जैसे वे गद्दार लोगों के भरोसे नहीं बैठेंगे, जो असली होगा तो उसको हमारे साथ, फिर गवर्नर किसके चल रहा है तो उसी पे रहेंगे लोग। रो रहे ना। आज मैं तुझे बता देता हूँ, जो 2 रुपए किलो आटा खाते हो ना, वो भी हमारी मेहनत की कमाई है, ये बात ध्यान रख लेना। कोई सरकार नहीं देने आती, यहाँ से जाता वो, क्यों जाता? हम अपनापन सोचते हैं जभी भेजते हैं, ठीक? जो वो 2 रुपए किलो आटा तेल चावल खा लेते हो ना जब तुम, उसको ये सोच के खाते होगे कि हमारा है, खाते होगे है? अगर हमने ये कभी मान के चल, सोच के चल, कभी ये सोच लिया हुए हमारे नहीं है, हमें नहीं है। अरे है? जो टैक्स आप भरते हो हम नहीं भरते क्या? कौन सा टैक्स? टैक्स नहीं, क्यों? अगर 2 महीने हम, अरे सुन, जीएसटी नहीं भरता, अरे सुन, हर चीज नहीं, इसी 2 महीने हमने वहाँ जाना बंद कर दिया ना, 2 महीने बंद कर दिया, कुछ नहीं है वहाँ, कब्रिस्तान बन जाएगा, ठीक? कब्रिस्तान बन जाएगा, भूखे मरोगे, ठीक? आज पाकिस्तान की हालात देख ले, जो कश्मीर हमसे अलग है उसकी हालात देख ले, ठीक? मरने जाएगा भाई, तो दिल्ली में रहो भाई, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में। देखो हमें तुझे कोई तकलीफ, कश्मीर भागने वाली मेरी बात सुनो, देखो एक बात बोलूंगा न्यूज चैनल पे कैमरा पे, सुन लो मेरी बात, मैं एक चीज और बोल दूं, हम जैसे भाई मानते हैं ना, वैसे भाईचारा निभाओगे तो सही रहेगा, नहीं तो हर तरह से अब वो चीज झेलने को तैयार रहे ना। आटा हम बेचते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, जितना आप भरते हो हम नहीं भरते, कहाँ भरते, क्यों नहीं भरते, क्यों नहीं भरते? तुमको पत्थर मारते हैं क्या हम लोग? हम लोग नहीं मारते, किस चीज में टैक्स भरते हो? मैंने आपको ये अभी बोला कि दंगे यहाँ भी होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं दंगे करने वाले, कुछ लोग होते हैं कश्मीर के रिलीजन वाले क्यों निकलते हैं, कुछ लोग में वही पर्टिकुलर रिलीजन क्यों? आप देख लो, तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, जैसे मोहम्मद टैक्स भरता है, मुझे ये बता दो वाले क्यों? कश्मीर किस चीज में, सऊदी क्यों टेररिस्ट? कश्मीर किस चीज में टैक्स देता है? देखो कोई मुल्क गलत हो रहा है, 9/11 हुआ था ना अमेरिका में, उसमें 13 के 13 सऊदी वाले थे, तो जहाँ जहाँ आप, अब चलो इंडिया तो छोड़ दो, पाकिस्तान में मस्जिदों में बॉम्ब क्यों फूटते हैं, सीरिया में क्यों फूटते हैं, अफगानिस्तान में क्यों फूटते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है ना? वहाँ तो हम नहीं गए, वहाँ तो बीजेपी नहीं गई, फिर भी वहाँ पे क्यों बॉम्ब फूट रहे? पाकिस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, क्यों खाने के लिए मर रहे हैं वो लोग, बताओ? तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको आपको मानना पड़ेगा और मानो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, पत्थरबाजी बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अपने देश की दिक्कत है, आप आजादी से घूम रहे हो तो आप आजादी से घूमने दो, ठीक है? जवाब तो दे दो, कश्मीर किस चीज में टैक्स देता है ये तो बता दो, किस चीज में टैक्स? हर चीज में, मैं धंधा कर रहा हूँ यहाँ से, कश्मीर ले जाता हूँ, जीएसटी भरता हूँ, वहाँ पे टोल टैक्स देते हैं, सिंपल हर चीज पे टैक्स देते हैं। कश्मीर को सब्सिडी कितना मिलता है पता है? कितना मिलता है बताओ? पता है कश्मीर किसके साथ आता है? किसके साथ? दिल्ली के साथ आता है ना, सेंट्रल के साथ। अच्छा, सेंट्रल रूल है जो दिल्ली में टैक्स लगता है। इससे पहले जो दिल्ली में जो कितने दिन से कश्मीर में 370 हटने के बाद ना, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले मलाई खा रहे थे ना, उसके बाद भी कश्मीरी तुम बोलते हो तुम्हारा चोर नहीं, नहीं वो तो महबूबा चोर थी, उमर अब्दुल्ला चोर था जिन्होंने लूटा, उसके वो तो वहाँ की सरकारें चोर थी, वो दो लोग उसे, वो इंडिया से भी पैसा, देखो वो इंडिया से भी पैसा खाते थे और पाकिस्तान से भी पैसा खाते थे और बीच में कश्मीरियों को लड़वाते थे। इस भाई ने बोला कि कश्मीरी सब गलत है, देखो मैं बताऊंगा, एक बात भूल जाएगा मुझे, एक बात सुनो, जो अभी आते हैं टेररिस्ट कश्मीर में, जो आते थे मतलब पाकिस्तान से, उनसे लड़ने सबसे पहले कौन जाता है? आर्मी को रास्ता कौन दिखाता है? जेके पुलिस। चलो जब पथराव होता है, पथराव वाले को पैलेट कौन मारता है? तुम ये मानते हो? पथराव वाले को गोली कौन मारता है? तुम मानते हो ना कि वहाँ के लोकल नेता करप्ट हैं? और पथराव वाले को घर से कौन निकालता है? और सुनो जो आर्मी वाला, सुन रहा हूँ, मेरी मेरा एक जवाब पहले
कश्मीर में जितने भी आतंकी आते थे पाकिस्तान से, उन्हें शरण कौन देता था और उनको लाता कौन था? ये कह रहे हैं ना, अब पुलिस को रास्ता कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं। पहले आतंकवादी को रास्ता ये देते थे, पुलिस को रास्ता इसलिए दे रहे हैं। मोदी सरकार आ गई है और केंद्र में बीजेपी है और अमित शाह है, इसलिए पुलिस को रास्ता मिल रहा है। पहले आतंकियों का रास्ता साफ रहता था। अभी जो है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ज्यादा होते थे, अब मुझे पुलिस ने सबसे पहले ही फ्रंट किया है। जेके पुलिस नहीं, आर्मी को दिखाया है कि कौन से घर में कौन सा है। हम पत्थरबाजी, आई थिंक ये वो वाले पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं जो भारत में पत्थरबाजी हो रही होती थी, स्पेशली कश्मीर में ना। आई थिंक ये उसी को ही हाईलाइट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना पत्थरबाजी को बंद करो, तो मुझे लग रहा है ये उसी को ही हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो से तो यही आइडिया हो रहा है कि जैसे जो ये कश्मीरी हैं, इन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जो है वो कश्मीर में जो ड्रग्स वगैरह आते हैं वाया बॉर्डर, तो ये उसमें भारतीय सेना का हाथ है, तो वो कहते हैं कि भारत में उनकी वजह से आता है, अगर वो ना चाहें तो वो नहीं आए। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, बात सेना की नहीं है, बात ये है कि वो आता किस तरह से, ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि सेना इसमें जिम्मेदार है। जिम्मेदार अगर सेना होती तो फिर टेररिस्ट जो आते हैं, तो अभी जो दहशतगर्द आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पूंछ में इंसिडेंट हुआ था तो उसके पीछे भी अब हम ये कहें कि नहीं इसमें सेना की गलती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो आते किस तरह से, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इसमें आर्मी का हाथ है, तो ये बात तो भाई वाकई में गलत है। आपके पास जब प्रूफ नहीं है तो आप किसी के ऊपर भी ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज पर या किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, तो मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। बाकी ओवरऑल जो है वो बात सारे ही दिल्ली वाले अभी जिन्होंने आंसर किया है, देखो बात ऐसी है ना कि लॉजिकल बात है कि अगर यही कश्मीर में लोग विजिट ना करें तो नो डाउट वहां पर खाने पीने का सिस्टम बंद हो जाएगा। ये बात तो सच है, क्योंकि कश्मीर जहां तक चलता है वो मुझे आइडिया है, तो वो चलता ही टूरिस्ट की वजह से है। जो लोग विजिट करने आते हैं डिफरेंट कंट्री के पार्ट से, या आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर्स आते हैं, तो उसी से ही इनका बिजनेस चलता है। जब 370 लगा था तो उससे पहले काफी कंडीशन बुरी चल रही थी, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट ही नहीं थे, तो इसलिए जो भी सिस्टम है कश्मीर का वो तो टूरिस्ट से चलता है। तो इनसे बनाकर रखना तो भाई बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि कश्मीरी पंडित जो है उनको मारा गया था, उनको भगाया गया था, तो वो भी तो मुस्लिम ही थे, नो डाउट। ये बात तो सच है और ये बहुत ही दुख की बात है। इसके ऊपर तो इवन दो कश्मीरी फाइल भी बन चुकी है कश्मीरी पंडित के ऊपर, और उनके साथ जो जो चीजें हुई हैं वो उस मूवी में दिखाई भी गई थी। तो इसमें दो राय नहीं है कि उनके इस पर कितना जुल्म किया गया था उस टाइम के गवर्नमेंट्स, और उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने कितना जुल्म किया था। अब वो अलग बात है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कोई ना भेदभाव है, तभी तो ये इस तरह के टॉपिक्स पर बात हो रही है। अदरवाइज इस तरह के टॉपिक्स पर बात मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए थी। वेल ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि देखो, करंट गवर्नमेंट अभी बहुत काम कर रही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर आप देखें तो अभी देखो 370 हटने के बाद कितनी चीजों पे काम हो रहा है, ट्रेन्स पे काम हो रहा है, मॉल बन रहा है, G20 की मीटिंग इवन तो वहां पर रखी गई है, जिससे कश्मीर हाईलाइट होगा और उसके साथ साथ कश्मीर में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रही है ना। तो गवर्नमेंट को इस वक्त हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको रीअप्रिशिएट करेंगे, नहीं उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, वो ये करते वो करते, तो ये गलत बात है। ठीक है, इससे पहले की जितनी भी गवर्नमेंट है उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कश्मीर के बारे में, उन्होंने तो कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर अभी कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है यार, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज करो। तो मैं ये समझती हूँ कि सही बोला जो वहां के लोगों हैं, उन्होंने काफी सही जवाब दिए हैं,
जो कि एक्यूरेट थे और इनको चुप करा देने वाले, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो आप उसको अभी देख लो और उससे पहले की गवर्नमेंट को देखो तो उसमें आपको कभी काफी हद तक जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सो इसलिए गलत बोलना है, बुरा भला बोलना तो मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड